आज हम सीखने वाले हैं राधा कृष्ण सीरियल का जो टाइटल ट्रैक है, जो बहुत ही खूबसूरत ऐसा फ्लूट के ऊपर बजाया गया है वो ट्यून आज हम सीखेंगे स्ट्रेट फ्लूट के ऊपर। और बहुत ही सिंपल ऐसे नोटेशंस में आपको दिखाने वाला हूँ, साथ में मेरा फिंगर मूवमेंट भी आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आप उसको अच्छे से नोटिस करिए और उसको फॉलो करके बजाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नोटेशंस में कोमल ग और कोमल नी का यूज़ किया गया है। तो आपको स्क्रीन पे जो नोटेशंस दिखेंगे, जहाँ पे भी आपको ब्रैकेट में कोमल ग मिलेगा या फिर नी मिलेगा, तो वो आपको ब्रैकेट वाला जो सुर है वो कोमल बजाना है, ठीक है। तो इसमें शुद्ध नी का भी यूज़ किया गया है और साथ में कोमल नी का भी यूज़ किया गया है। तो नोटेशंस पढ़ते समय ध्यान से पढ़िए और ध्यान से उसको फॉलो करिए, ठीक है। तो पहला लाइन है, रे सा रे सा रे सा नी प नी सा। आगे गे गे ग, इसमें जो ग यूज हुआ है वो कोमल, ठीक है। कोमल ग यानी आपको हाफ जो है फिंगर उठाना है। गे गे ग, दोनों लाइन कैसा आएगा, रे सा रे सा नी प नी सा गे ग। सेकेंड लाइन में सिर्फ शुरुआत में प प ऐड होगा, लोअर ऑक्टिव का प, ठीक है। लोअर ऑक्टिव के प से ऐसे बजाना है। प प रे सा रे सा रे सा नी प नी सा गे ग, ठीक है। यहाँ पे जो भी नी प हम यूज कर रहे हैं वो अभी लोअर ऑक्टिव का ही है, मिडल ऑक्टिव में आपको अभी जाना नहीं है, ठीक है। तो जो भी नी यूज कर रहे हैं, जो भी प यूज कर रहे हैं, वो आपको लोअर ऑक्टिव में रखना है, ठीक है। तो दोनों लाइन अभी कैसे आएंगी, अब इसके आगे नेक्स्ट लाइन, रे प प रे ध ध रे नी नी ध प म ग। फिर से रे प प रे ध ध रे नी नी, ये कोमल नी आपको बजाना है, ठीक है। रे नी नी ध प म ग, कोमल ग। रे प प रे ध ध रे नी नी ध प म ग। नेक्स्ट लाइन, रे प प रे ध ध रे रे सा नी, ऊपर जाएगा हायर ऑक्टिव में, रे रे सा नी ध प म ग, ऐसे। रे रे सा नी ध प म ग, ठीक है। उसके आगे सा नी प नी सा नी प नी सा। अब नीचे आ रहे हैं मिडल ऑक्टिव से लोअर ऑक्टिव। सा नी प नी सा रे सा रे सा रे,
सनी पनी सागरे गारे गा। अभी मैं आपको ये जो सारे नोटेशंस की लाइंस बताई है वो एक वन बाय वन सारा शुरुआत से लेके पूरा एंड तक बजा के दिखाता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से है राधा कृष्ण का टाइटल ट्रैक, जो बहुत ही खूबसूरत ऐसा साइड फ्लूट के ऊपर बजाया गया है, पर आप इसको स्ट्रेट फ्लूट के ऊपर भी सीख सकते हो और आराम से बजा सकते हो। बस मैंने जो नोटेशंस बताए हैं उनको फॉलो करिए और जिस तरह से मैंने बजाया है उस तरह से उसको वो फ्लो में बजाने की कोशिश करिए, ठीक है? इसमें कोमल ग कोमल नी का यूज़ किया गया है, तो आपके बेसिक्स जो है पहले तो फ्लूट के बेसिक्स कंप्लीट होना ज़रूरी है ताकि इस ट्यून को आप अच्छे से बजा पाओ, ठीक है? सो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी, बाय बाय।